या रा या मा हू। नहीं, मैं आप पे कोई मंत्र नहीं फूंक रहा हूँ। वास्तव में ये एक कपोल कल्पित जीव की कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और इस जीव का नाम है या रा मा या हू। ये जीव ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाला माना जाता है, और जिस तरह से हमारे बचपन में हमारे दादा दादी हमको शांत रखने के लिए और घर से बाहर जाने के लिए मना करने के लिए अलग अलग कहानियाँ सुनाकर हमें डराते थे, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी अपने बच्चों को उनके घरों से ज़्यादा दूर ना जाने देने के लिए ऐसी ही कहानी उनको सुनाते थे। इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ ये कोई नहीं जानता, और इस पर कोई रिसर्च भी नहीं हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी अपनी संस्कृति से काफ़ी दूर पहुँच चुके हैं। नई टेक्नोलॉजी की चकाचौंध में उनकी पुरानी बच्चों को सुनाने वाली कहानियाँ कहीं खोई सी जा रही हैं। शायद ऐसा भारत में भी हो रहा है, पर यह हमारा टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको इसी जीव और इसकी कहानियों के बारे में बताने वाला हूँ। यह जीव माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के पेड़ों के ऊपर निवास करता है। और इसका खाना क्या है? आप सुनकर बिल्कुल नहीं चौंकेंगे। इसका खाना है हम लोग यानी इंसान, और इसके लिए डेजर्ट होते हैं बच्चे। इसको बच्चे खाना बहुत पसंद है, और यही बात बताकर ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने बच्चों को अपने घरों से दूर जाने से रोकते थे। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यारा या मा हू नाम के इस प्राणी के बारे में बड़े लोग अपने बच्चों को बहुत ही चाव से बताते थे, और ये भी बताते थे कि अगर तुम गांव में घर से ज़्यादा दूर जाओगे तो वहाँ पर ये जीव तुमको मिल जाएगा, और इसको देखने के बाद तुम वहीं पर सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज होकर वहीं खड़े रह जाओगे। उसके बाद ये तुमको समूचा निगल जाएगा। इसके पास कोई हथियार नहीं होते, ना ही इसके पास कोई पंजे हैं। इसका एक बहुत बड़ा सा सर होता है और एक छोटे बच्चे जितनी हाइट वाला इसका शरीर होता है। इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही भयानक कहानी जो इसके बच्चों को सुनाई जाती थी, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को, वो इस प्रकार है। जब यह जीव अपने किसी शिकार को पूरा निगल लेता है, उसके बाद इसको बहुत प्यास लगती है। ये नदी के पास जाता है और खूब पानी पीता है। उसके बाद इसको नींद आती है। नींद आने के बाद ये किसी पेड़ के नीचे अपने शिकार को उगल देता है जो उस वक्त तक जिंदा होता है। कहा जाता है कि अगर किस्मत अच्छी रही तो उसके जागे बिना शिकार भाग सकता है, लेकिन अब वो शिकार चाहकर भी इंसानों के बीच नहीं रह सकता, क्योंकि यह शिकार धीरे धीरे करके इसी जीव में बदल जाता है। पहले बाल झड़ते हैं, फिर शरीर छोटा होता जाता है और सिर बड़ा, और धीरे धीरे करके वो खुद भी इसी जीव में बदल जाता है। ये कहानियाँ ऑस्ट्रेलिया के किसी भी मूल निवासी के द्वारा आप सुन सकते हैं, और ये कहानियाँ काफ़ी कारगर भी होती थी। वास्तव में वे अपने बच्चों को घरों से दूर जाने से रोकना चाहते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे घातक और जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं। जहरीले सांपों से लेकर जहरीली नागिन और लोमड़ियों तक पता नहीं कितने तरह के जहरीले जीव इस कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो ये वाजिब ही था कि इस तरह की भयानक कहानी बनाकर अपने बच्चों को अपने घरों से दूर जाने से रोका जाए। आपको इस कहानी ने कितना चकित किया? क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई है तो यार लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो थोड़ा सा।